मैं जहां प्रभु श्री राम को लेकर जो उनकी भावनाएं हैं, जिस तरीके से ये दिन गुजरा और कैसे 11 दिनों की साधना और उसके बाद आज प्राण प्रतिष्ठा, हर दिन का उन्होंने जिक्र किया और हर उस तीर्थ स्थल का महत्व भी बताया जहां जहां प्रभु श्री राम के चरण पड़े हैं। और ये सिर्फ राम मंदिर के लिए प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, बल्कि ये राष्ट्र निर्माण में, नव निर्माण में, नए भारत के लिए कैसे प्रधानमंत्री जी के आगे कदम बढ़ाएगा उसकी भी चर्चा। और इस वक्त देश के प्रधानमंत्री, उन तमाम जो हमारे अतिथि आए हुए हैं, उन सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए अब यहां से वो आगे बढ़ते हुए, इस वक्त भी हम लाइव तस्वीरें ही आपको राम मंदिर परिसर से दिखा रहे हैं, जहां साधु संतों का हो जो कर उनको नीचे की ओर ले जाए। भी यानी गर्भगृह में भी पूजा खत्म करने के बाद अमूमन हमने हिंदू धर्म में देखा है कि बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है, तो उस वक्त भी पीएम आशीर्वाद ले रहे थे और अब यहां से वो आगे बढ़ते हुए पीएम मोदी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद, भाषण देने के बाद, सबको संबोधित करने के बाद अब आगे बढ़ते हुए और एक एक करके उन तमाम बड़े चेहरों से मुलाकात करेंगे जो आज के दिन का साक्षी बने हैं, जो आज इस ऐतिहासिक पल का गवाह रहे हैं। और वही रामधुन आपको और साथ साथ योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ये बहुत बहुत अद्भुत तस्वीरें हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले संबोधित करते हुए और उसके बाद अब जो बड़ी तादाद में मेहमान यहां पर पहुंचे हैं, अब पूरे देश में, अब चाहे कोई भी जगत से जुड़ा हुआ बड़ा चेहरा इससे पहले आपने देखा होगा, हर कोई आज यहां पर मौजूद है। निमंत्रण जिन्हें मिला वो यहां पर पहुंचे, मुख्य अतिथि जो है उनसे मुलाकात करते हुए देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ जोड़कर अभिवादन सभी का स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हुए, ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये इंतजाम भी आप देखिए जिस तरीके से यहाँ पर किया गया था, ये वो पल जो ऐतिहासिक हो गया, लोग यहाँ पर उस पल का साक्षी बनने के लिए यहाँ पर पहुंचे। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, कहीं खेल जगत से जुड़े हुए लोग यहाँ पर, आपको ये देखिए सदी के महानायक अमिताभ बच्चन मुझे तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ अभिषेक बच्चन यहाँ पर मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हुए हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए यहाँ पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री की तरफ से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा जब की गई और उसके बाद जब संबोधन किया गया, तो राम मंदिर, मंदिर तो बन गया है लेकिन उसके बाद अब 1000 साल की कैसे यहां से नींव रख देनी है, इसका भी जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री यहां पर दिखाई दिए और भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए, ये आप देखिए तमाम वो साधु संत, ये चेहरे आपने इससे पहले भी कई बार देखे होंगे और चूंकि शताब्दियों का ये इंतजार रहा है, हर किसी का लंबा संघर्ष रहा है, कई सारे ऐसे लोग रहे हैं जो इस पल की प्रतीक्षा करते हुए, कई सारे तो आज इस दुनिया में भी नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री ने भी यही कहा कि अब आज उन सभी का आशीर्वाद भी मिल रहा है। साध्वी रितंबरा और शांति मुरारी बापू, ये सभी साधु संत आपको नजर आ रहे हैं और इनसे एक एक करके पीएम मोदी मुलाकात करते हुए, बाबा रामदेव भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, इन सभी से बातचीत करते हुए, क्योंकि पीएम के पास अब वक्त की कमी भी है, 4 घंटा से ज्यादा वक्त उन्हें नहीं गुजारना था, इस 4 घंटे में ही पूरा कार्यक्रम था और अब इसी तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तमाम वो चेहरे हैं जिनका मंदिर निर्माण में या मंदिर आंदोलन में या फिर प्रभु श्री राम को लेकर भावना किसी न किसी तौर पर रहा ही है और यही वजह है कि ये सभी इस मंदिर परिसर में मौजूद है। साधु संतों की संख्या बहुत ज्यादा है क्योंकि इस अयोध्या नगरी में हर कदम पे आपको साधु संत ही नजर आएंगे, देश के चाहे जिस हिस्से में आप देखिए, प्रभु श्री राम को अगर मन में प्रगाढ़ आस्था लिए अगर कोई पहुंचता है तो उसकी इच्छा होती है कि वो अयोध्या नगरी जाए और यही वजह है कि ये तमाम प्रमुख चेहरे जो हैं वो यहाँ पे मौजूद है। इसमें से कई स्थानीय साधु संत हैं और कई ऐसे चेहरे हैं जो अयोध्या के बाहर रहते हैं लेकिन उन्हें विशेष आमंत्रण पर यहाँ पे बुलाया गया है। पहले उन्होंने जो फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग हैं या क्रिकेट से जुड़े हुए लोग हैं और खेल से, बिजनेस के बड़े चेहरे हैं,
उन सभी से मुलाकात की और अब ये एक एक चेहरा जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, इन साधु संतों ने वाकई लंबा संघर्ष देखा है, जिसमें कई ऐसे भी चेहरे हैं जो राम आंदोलन से जुड़े रहे हैं, प्रभु श्री राम के आंदोलन से जुड़े रहे हैं, रामलला को स्थापित करने को लेकर, मंदिर निर्माण को लेकर, उन सभी की भावनाएं आज अलग ही है। आज एक तस्वीर ऐसी भाव विभोर कर देने वाली सामने आई थी, जिसमें उमा भारती और साध्वी रितंबरा दोनों आपस में गले मिलकर आंसू बहा रही थी, क्योंकि इस दिन का इंतजार पूरी उम्मीद के साथ उन्होंने किया था। और ये एक एक साधु संत के चेहरे को आप देखिए, वाकई बेहद खुश है। इनमें से कई चेहरे आपको टीवी स्क्रीन पर दिखते भी आम दिनों में, लेकिन कई ऐसे चेहरे जो पर्दे के पीछे भले ही रहते हो, लेकिन उनमें राम को लेकर, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को लेकर जो आस्था है, जो विचार है, और जिस तरीके से वो आम जनमानस में उस विचार को फैलाने की कोशिश करते हैं, वो हम आए दिन देखते भी हैं। कहा जाता है कि राजा राम बनकर अयोध्या से निकले थे वनवास के लिए राम, और जब लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो चुके थे, और उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम के इंतजार में पूरी अयोध्या नगरी जिस तरीके से सजी थी, आज अयोध्या की छटा, आज अयोध्या की तस्वीरें कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल ठीक वैसी है जैसे त्रेता में हुआ करती थी। वारकरी वीर शैव हर कोई भारत की समस्त मत पंथराय की जो अलग अलग धाराएं हैं, वो आज उनका यहाँ पर समागम हुआ है, आज उनका यहाँ पर संगम हुआ है, और पूरी दुनिया चकित रूप में देख रही है कि किस तरीके से वैविध्य में एकता का प्रमाण, विविधता में एकता का प्रमाण, बहुरंगी सतरंगी विविध रंगी संस्कृति का आज यहाँ पर सम्मिलन हुआ है, और पूरी दुनिया उल्लासित है। संभवतः इसीलिए कहा गया है कि मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु, यह मेरा हिंदू समाज, मेरा इसका संबंध अमर, मैं व्यक्ति और यह है समाज, इससे मैंने पाया तन मन, इससे मैंने पाया जीवन, मेरा तो बस कर्तव्य यही, सब कुछ कर दूं इसको अर्पण, मैं तो समाज की थाती हूँ, मैं तो समाज का सेवक हूँ, मैं तो समष्टि के लिए व्यष्टि का कर सकता बलिदान अभय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो निश्चित तौर से एक जो हमारी सनातन संस्कृति का प्रतीक है, वो आज पूरी दुनिया देख रही है इस परम अयोध्या धाम से। वर्षों की तपस्या पूर्ण हुई इस राष्ट्र की, कई वर्षों की तपस्या पूर्ण हुई है उन संतों की जो लगातार भगवान श्री राम के लिए अपना सर्वस्व। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, बड़ी तादाद में मेहमान भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। एक बार फिर से आप रामलला के दर्शन भी कर लीजिए, और जितने खूबसूरती से इस मूर्ति को बनाया गया है, फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग भी, आपको ये भी बता दें रणबीर कपूर इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले आपने देखा आरएल के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी अपने परिवार के साथ यहाँ पर मौजूद है, एक एक करके तमाम उन मेहमानों से मिलते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर दिखाई दिए, और ये अब आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री भी तस्वीरों हमने आपको दिखाए राम मंदिर से। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कई सारी बड़े बातें भी अपने संबोधन के दौरान कही गई हैं। आपको मैं ये भी बता दूं कि प्रधानमंत्री ने जब उस समय का भी जिक्र किया, ये देखिए तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जैकी श्रॉफ आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि कोशिश आज के लिए ये की गई है कि चाहे वो फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग हो, चाहे वो क्रिकेट से ताल्लुक रखते हो, चाहे व्यापार से जुड़े हुए बड़े चेहरे हो, लेकिन जो पूरे देश में किसी ना किसी रूप में लोगों को प्रेरणा देते हैं, लोगों के लिए बहुत महत्व रखते हैं, उन सभी को आज यहाँ पर निमंत्रण दिया गया, यहाँ पर बुलाया गया, क्योंकि एक ऐतिहासिक पल था। अब ये जब प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब सालों साल तक अब आने वाला जो भविष्य है वो यहीं से उसकी नींव रखी जानी है, प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि उस दौरान जब छोटे से छोटा व्यक्ति भी अपना योगदान कैसे देता था, और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अगर आपको कभी लगता है कि मैं बहुत छोटा हूं, मैं बहुत ज्यादा योगदान समाज के लिए नहीं दे सकता, तो फिर आप उस गिलहरी के बारे में सोचिए। प्रधानमंत्री ने तमाम वो उदाहरण दिए जो रामायण कांड से जुड़े हुए हैं। अब ऐसे वक्त में जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, लेकिन अब आने वाले युगों तक कैसे प्रभु श्री राम का ये भव्य दिव्य मंदिर जब भी आप यहां पर
जाएंगे, आपको हमेशा याद दिलाएगा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, जिन्होंने लंबा संघर्ष किया, 14 वर्ष का वनवास, लेकिन उसके बाद आप देखिए कि जो उनके आदर्श रहे आज तक भी हम उन्हीं को मानते आए हैं। और न सिर्फ प्रभु श्री राम, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब संबोधित किया तो उन्होंने हनुमान जी का भी जिक्र किया, उनकी तरफ से छोटे छोटे पात्र भी जो रामायण कांड से जुड़े रहे हैं उनका भी जिक्र किया गया।